जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है स्पेशली SSC GD की जो ज्वाइनिंग है उसके बारे में है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी SSC GD की जो फाइनल मेट है इस पर काफ़ी केस हो गए, जैसे इलाहाबाद कोर्ट में भी हो गया और भी कई स्टेट में कोर्ट में इस पर रिट लगाई है, बाकी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी इसकी कोर्ट में रिट लगाने के लिए या केस कर रहे हैं इसकी मेरिट पर। काफ़ी बवाल मच रहा है इसकी मेरिट पर और बहुत सारे स्टेट, यानी ये मान के चलिए कम से कम 29 में से 14-15 स्टेट में इस पर रोक लगाने के लिए केस कर दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन क्या इससे आपकी ज्वाइनिंग पे फ़र्क पड़ेगा, जिनकी फाइनल मेट आ गई है क्या इस पर जोर पड़ेगा या आपकी ज्वाइनिंग लेट हो सकती है? तो दोस्तों, आपको पता कि कल ही जैसे अपडेट आ रही है या एक दो दिन से आप काफ़ी चैनलों पर देख रहे होंगे, जैसे SSC GD से जुड़े हुए चैनल है वो काफ़ी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ आप कोर्ट केस करिए, हम आपके साथ है, हाँ हम आपके साथ है, कोर्ट केस करिए। या कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी बोल रहे हैं जानबूझ कर कि हाँ आप कोर्ट केस कर दीजिए, ये होगा, फिर बाद में ये होगा, इनकी ज्वाइनिंग नहीं होने देना है, अगर ज्वाइनिंग हो गई तो फिर वैकेंसी पे रोक नहीं लगेगी, या इस प्रकार के काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैंने भी कल एक दो वीडियो देखा है और काफ़ी मेरे को भी बच्चे भेज रहे हैं मैसेज में क्या सर कोर्ट केस से हमारी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे SSC GD की जब मेरिट आई थी फाइनल मेट, उसके बाद में विवाद में गिरने का जो रीज़न था वो आपको सबको पता है कि इसमें कई प्रकार की गलतियां हो गई। एक तो जैसे वो कुछ सीटें अभी भी खाली है, उसके लिए मांग की जा रही है कि सेकंड लिस्ट क्यों नहीं दे रही है वैकेंसी, जबकि इसके पास में जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है उसमें 5802 पोस्ट के आसपास खाली सीटें हैं, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं उसकी वजह से। दूसरा कि जो अब जो वैकेंसी आई है इसमें कईयों की जो मेरिट की जो कट ऑफ दी है उससे नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका नाम नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम नहीं है। एक जिनके रिजेक्शन लेटर आए हैं उन्होंने भी रोक लगा रखी है भर्ती पे, मतलब काफ़ी कुल मिला के काफ़ी प्रकार का इसमें बवंडर हो रखा है इस वैकेंसी में कि इस प्रकार की समस्या है, इनकी वजह से इस भर्ती पर रोक लगनी चाहिए या इसकी ज्वाइनिंग नहीं देनी चाहिए। इसके बारे में आपको भी काफ़ी सुनने को मिला होगा। साथ ही आप YouTube पे मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, बता दूं कि इससे आपकी ज्वाइनिंग डेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं YouTube पे आके, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ज्वाइनिंग नहीं होगी या हम कोर्ट में रोक लगा देंगे, लेकिन अब इस वैकेंसी में आप ये मान के चलिए 100% ज्वाइनिंग होगी, अब कोई भी रोक नहीं लगा सकता। एक जिन कैंडिडेट के नंबर कम होते हुए भी जिनका नंबर कई ऐसी कैंडिडेट का ST में आ चुका है नाम, तो जिनका नाम आ गया वो सिलेक्टेड है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी से है वो सिलेक्टेड है, उसको कोई घबराने की चांस नहीं है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग के टाइम पे भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि आपकी ज्वाइनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है, बस थोड़ा सा इंतज़ार है तो इंतज़ार कर लीजिए। ये बाकी जो बवंडर है और जितने भी बच्चे इन चक्रों में पढ़ रहे हैं, मैं खुद उनको बोल रहा हूँ कि आप इस चक्कर में बढ़ने की बजाय अपनी आगे की एजुकेशन, आगे की पढ़ाई शुरू कर दें, इनके चक्कर में ना पढ़े कि आप एकत्रित होकर सीटें ये कर लोगे वो कर लोगे, उसमें कोई नहीं। अगर एक्स सर्विसमैन की सीटें भरी जाएगी तो वो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगी, आपके कोर्ट केस से या इनसे डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की होगी कि वो सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, सेकंड लिस्ट देते हैं या वेटिंग लिस्ट देते हैं, तो इसके लिए आप केस नहीं कर सकते, या आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ लेना, उसमें अच्छे से लिखा हुआ साफ 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 तौर पर कि बढ़ती वैकेंसी बढ़ाई और घटाई जा सकती है। तो इसमें आप कुछ भी कोर्ट केस करो कुछ भी नहीं होगा, एक किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। तो इसलिए आप फालतू के चक्रों में ना पढ़े और अपनी आगे की पढ़ाई में लग जाइए, जो होगा जो होना था वो हो गया, अब इससे ज़्यादा आप उम्मीद ना रखें और अगली वैकेंसियों की तैयारी करें दोस्तों, ये आपके लिए बेटर रहेगा। जय हिंद, जय।